चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बहुजन समाज पार्टी व भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के बने इस गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने बने इस गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जिनको कामयाब बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव श्री अभय सिंह चौटाला जी व इनके सभी साथीगण तथा बीएसपी के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व यहाँ के संयोजक श्री रणधीर बेनीवाल और इनके भी सभी साथीगण पूरे जी जान से लगे। और अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने इस बने गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खास तौर से मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे यहाँ पहले कांग्रेस की और अब बीजेपी की तथा अन्य और पार्टियों की भी राज्यों में रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें यह आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दे पा रहे हैं। और अब तो इनके आरक्षण को ये पार्टियां मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। और इसका खास उदाहरण ये है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय, जिसमें कोर्ट ने एससी व एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रिमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही है। यानी कि आरक्षण में से आरक्षण पहले एससी एसटी वर्गों के लोगों को जो आरक्षण दिया हुआ था तो वो उनको पूरा मिलता था, भरा तो नहीं जाता था कोटा,
लेकिन उसमें कोई वर्गीकरण नहीं था। उसमें कोई अब क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है कि जो आरक्षण आप लोगों को मिला एससी एसटी वर्गों के लोगों को, तो उसमें भी वर्गीकरण किया जाएगा, उसको भी बांट दिया जाएगा। पहले एससी एसटी में क्रिमिनल आदि लागू नहीं थी, वो भी लागू कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया, अब होगा क्या कि एससी एसटी का जो आरक्षण है इसको वर्गीकृत कर दिया, इसको बांट दिया कि जो एससी एसटी में इसको दो तीन हिस्सों में बांट दिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मान लीजिए जो जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है और उनमें से जो लोग इसके योग्य नहीं हैं, तो उन्हीं वर्गों में से आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब ये वर्गीकरण करके ये लोग क्या करेंगे कि जो योग्य नहीं होंगे तो उनको पहले एससी में ही जो मजबूत जातियां थी उनको मिल जाता था, अब ये धीरे से चुपके से अब ये करेंगे क्या, सामान्य वर्गों के लोगों को उनका ये आरक्षण दे देंगे। और ये जो व्यवस्था की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की है, तो इस व्यवस्था में सेंटर की ओर से, सेंटर में किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकारी वकील उधर खड़ा हुआ, उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, कहा कि हम सहमत हैं इससे, हम सहमत हैं। कांग्रेस के भी वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम इससे सहमत हैं। और ये एससी एसटी में जो आरक्षण में पहले वर्गीकरण नहीं था, अब उसमें वर्गीकरण कर दिया। अब आपको बहुत, और इनको जो एससी एसटी की जातियां हैं तो वर्गीकरण करके इनको आपस में लड़ाने का काम किया है। और ये जो पार्टियां क्या कर रही हैं, लड़ाने का काम कैसे कि फूट डालो और राज करो। अभी तक एससी एसटी एक प्लेटफार्म पे रहता था, लेकिन इसकी आड़ में इनको बांट के फूट डालो, कुछ जो वोट कुछ वोट बीएसपी ले जाए और कुछ वोट वो दूसरी पार्टियां ले जाए, इनको बांट के रखो। जिनको ये कह रहे हैं कि वर्गीकरण करके हम फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उनका ये वोट ले जाएंगे, जबकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। धीरे पर्दे के पीछे इसका ज्यादातर लाभ जनरल लोगों को ही मिल जाएगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका ये आरक्षण प्रभावहीन बन जाएगा, ना के बराबर रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यदि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की भी नीति व नियत साफ होती, तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आई इस निर्णय को बिना कोई देरी किए हुए उसे निष्प्रभावी बनाने व पूर्व की स्थिति में लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर फिर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाती और उसे विपक्ष को साथ में लेकर पास भी जरूर कराती। और इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए कांग्रेस व इनके इंडिया गठबंधन ने अभी तक भी केंद्र सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया है, और ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोला है, ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने, ना अन्य पार्टियों ने, कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। और इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार व अधिकांश सभी विरोधी पार्टियां अभी तक भी चुप्पी साधे हुए हैं। यहां मैं ये भी बता देना चाहती हूं कि माननीय कोर्ट ने
एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण करने व क्रिमी लेयर को भी लागू करने का ये कार्य जो पहले संसद के पास था, राष्ट्रपति जी के पास था, उनसे वापिस लेकर तो एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण करने व क्रिमी लेयर को भी लागू करने का ये कार्य अब राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है, जो पहले राज्य सरकारों के पास नहीं था, संसद के पास था, राष्ट्रपति जी के पास था, ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। जो अब जो राज्य सरकारें हैं, जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी तो उस पार्टी की सरकार फिर अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएगी, साथ ही इसकी आड़ में इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में भी लड़ाएगी, अर्थात अब ये पार्टियां फूट डालो वे राज करो की नीति का भरपूर फायदा उठाएंगी। जबकि संविधान के मुताबिक कि जाति को एससी व एसटी की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका ये अधिकार अभी तक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था, जिसे 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए इसे अब वापिस लेकर सीधे ही राज्य सरकारों को दे दिया गया है, जिससे अब इन वर्गों के साथ काफी नाइंसाफी होगी, अर्थात इनका भी आरक्षण ना के बराबर ही रह जाएगा। और अब तो कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण का ये संविधानिक अधिकार मिला है, तो इसे बचाने के लिए अब यहाँ हरियाणा प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में इन वर्गों को ऐसी सभी आरक्षण विरोधी पार्टियों को अपना कतई भी वोट नहीं देना है। जो ये पार्टियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय को बिल्कुल भी बदलने के लिए तैयार नजर नहीं आती हैं, अर्थात इस मामले में केवल ये पार्टियां इन वर्गों को गुमराह करने में ही लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों को यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने बने इस गठबंधन की ही सरकार बनाकर इसे लागू होने से, यहाँ के हरियाणा प्रदेश में इसे लागू होने से तब तक लटकाकर वे रोक कर रखना है जब तक केंद्र व विपक्ष द्वारा इस निर्णय को संविधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर दिया जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को एक तरफा अपना वोट केवल बीएसपी व इन्हें लोग के बने अपने इस गठबंधन को ही देना है, ताकि सत्ता में आकर यहाँ आपके स्टेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। हम इसको पास नहीं होने देंगे, हमारा गठबंधन की सरकार होगी तो इसको लटका के रखेंगे, और कब तक रखेंगे, जब तक हम पार्लियामेंट में संविधानिक संशोधन लाने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाएंगे, वो इसको पुरानी स्थिति में नहीं ले आती है, बहाल नहीं कर देती है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस बीजेपी वे अन्य जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। आपके हरियाणा प्रदेश में भी यही स्थिति है, हर विभाग में सीटें खाली पड़ी, जिसे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही दे दिया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने माननीय कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों
व धन्ना सेतो आदि को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह के सरकार में ही मिली है, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जबकि इन्हें ये सम्मान इनके जीते जी केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस पार्टी के यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के देहांत के बाद भी इन्हें काफी वर्षों तक इन्हें ये सम्मान नहीं दिया। इससे इन वर्गों के प्रति इस कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इतना ही नहीं बल्कि इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित रहे व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी यह नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यह खासकर दलितों आदिवासियों वे अन्य पिछड़े वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य अखिलेश समाज के लोगों की भी अधिकांश मामलों में हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज व जाट समाज में भी खासकर गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब मजदूर किसान कर्मचारी छोटा व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें भी किसान वर्ग तो केंद्र में अभी तक की रही सभी सरकारों द्वारा बनाई गई उनकी गलत नीतियों के कारण अब काफी ज्यादा परेशान व दुखी भी रहा है और अभी भी है, लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में वे आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही अधिकांश विरोधी पार्टियों की सरकारों की गरीब व किसान विरोधी तथा इनकी जातिवादी पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों के वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान व दुखी भी है। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफी ज्यादा फैला हुआ है, जिससे आपका खुद का अपना हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है।
और इन सबका मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने हरियाणा प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ खासकर पूंजीवादी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य अकलियतों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में वे हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए। इसके साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है तथा गरीब आवासहीनों को जिनके पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं थे उनके हमने दो दो कमरों के पक्के मकान सरकार की ओर से फ्री में बना के दिए और वहाँ पे जो उनकी और जरूरतें थी शिक्षा की हॉस्पिटल की और भी जो जरूरतें थी रोजमर्रा की उसका भी हमने वहाँ पर प्रबंध किया, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को काफी फायदा पहुँचा है। शहरों में देहातों को भी विकसित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में देहातों को विकसित किया गया। माननीय श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत शहरों को विकसित किया गया और उन बस्तियों पर विशेष ध्यान दिया, उन बस्तियों की तरफ जहां पर दलित वर्ग के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग रहते थे। तो जो पहले सरकारें रही तो जहां पर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग रहते थे उनका वो विकास नहीं करती थी, तो गांव में जाते ही मालूम पड़ जाता था ये दलितों की बस्ती है, ये पिछड़ों की बस्ती है। तो हमारी पार्टी की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में तो देहातों को विकसित किया और जहां पर दलित अन्य पिछड़े वर्ग के लोग रहते थे उनको हर सुविधाओं से डेवलप किया, विकसित किया और उसका असर ये हुआ कि चाहे वो दलित वर्ग के लोग हों या अन्य समाज के लोग हों, अपर कास्ट के भी लोग हों, तो जब वो गरीब लोग अपने बेटी की बहन बेटी की शादी करते थे
तो सबसे पहले प्राथमिकता वो डॉक्टर अंबेडकर गांव को देते थे कि हमारी लड़की को सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहां विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। किसानों की भी अधिकांश समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया गया है तथा उनकी फसलों का भी उन्हें समय से उचित दाम दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति आदि भी नहीं होने दी है, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहां जुल्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहां मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसकी यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफी सख्त जरूरत है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे यहाँ अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहां पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासन काल के दौरान वहां हर मामले में वे हर स्तर पर सब समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में गरीबों, किसानों व आम जनहित के तथा विशेषकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपकी प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी आप दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में भी अपने इस बने गठबंधन की ही सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन का ही बेहतर रिजल्ट लाना होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के सांब दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में बिना घोषणा पत्र के जारी किए हुए चार बार सरकार बनाई, कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, उसके हम कब करते हैं जब सरकार बन जाती है, फिर हम अपनी नीतियां बताते हैं कि हमारी सरकार की नीतियां क्या है, उससे पहले हम कोई हवा हवाई बातें नहीं करते हैं। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के, अपने हरियाणा प्रदेश के भी हित में यहाँ BSP व इनेलो के बने अपने इस गठबंधन की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और अब आप लोगों को अपने इस गठबंधन के ही उम्मीदवारों को
ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाना है, जिसके लिए बीएसपी के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर तथा राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है। असम से तो आपका नौजवान साथी खड़ा हुआ है, इनके पिता पहले पार्टी में बहुत सक्रिय रहे, अभी वो बीमार हैं, वो इसलिए उन्होंने बीएसपी को अपना बेटा समर्पित किया है कि ये बेटा मैं बीएसपी को दे रहा हूं। नौजवान है, मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप इस नौजवान को जिताकर इनके मनोबल को जरूर बढ़ाएं, इनको राजनीति में कामयाब बनाने का काम आप लोगों का है। और भी यहाँ पर इस करनाल जिले में आसपास के जो विधानसभा की सीटें हैं, गठबंधन के और भी उम्मीदवार हैं, उनको भी आपको कामयाब बनाना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपने बने इस गठबंधन की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है, और सरकार बनने पर फिर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को ही बनाया जाएगा, जिनको मेरे आशीर्वाद के साथ साथ इनके पिता चौधरी ओम प्रकाश सिंह चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का भी हमेशा इन पर आशीर्वाद बना रहा है। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से बीएसपी का ये जो हमारा गठबंधन है, इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से बीएसपी का एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा, और ये दोनों डिप्टी सीएम कौन होंगे इसका फैसला इस चुनाव का नतीजा आने के बाद ही किया जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से अपने बने इस गठबंधन के अधिकांश उम्मीदवारों को जिताकर अपनी यहाँ गठबंधन की ही सरकार जरूर बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं केंद्र सरकार से देश में जातीय जनगणना कराने के लिए भी विशेष अनुरोध करती हूँ, जिसको पहले केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने और अब वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार ने भी इसे अभी तक भी लटका के रखा हुआ है, जो उचित नहीं है। इसके लिए भी इनसे विशेष आग्रह के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।